जब भी बहुत से लोग दुकानों में मार्केट करने के लिए बिना किसी तैयारी के निकल जाते हैं और दुकानदारों को बताते हैं कि उनके पास में कौन सा प्रोडक्ट्स हैं, तो उन्हें क्या मिलते हैं? रिजेक्शंस मिलते हैं। और आज के टाइम पे 95% लोग यही गलती करते हैं मार्केट में। वो बिना प्रिपरेशंस के जाते हैं और जाके क्या देखते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिक पाता है, ना प्रोडक्ट इस्टेब्लिश हो पाता है, ना कस्टमर मिल पाते हैं। और वहाँ पर वो देखते हैं कि उन्हें लॉस लग रहा है या काम नहीं चल रहा है या ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिशन है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि अगर आप भी ऐसे ही चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं जहाँ पर आप देखना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको मार्केट में बेचना है, तो उस मार्केट में बेचने से पहले जो तैयारी है वो आपको करनी चाहिए, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। देखिए, मार्केट में पॉसिबिलिटीज़ हैं, कस्टमर्स हैं और आपके इनडायरेक्ट सेल्स चैनल पार्टनर्स हैं, जो कि आपके बिजनेस टू बिजनेस पार्टनर्स हैं। कौन? रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एजेंट्स जो हैं मार्केट में, वो भी काफ़ी एजेंटशिप में काम करते हैं। पर आप क्या कर पाते हैं, जब भी आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आप अप्रोच नहीं लगा पा रहे हैं कि इन्हें कैसे अप्रोच करा जाए। तो बहुत से लोग यही गलती करते हैं, जब बिजनेस में प्रोडक्ट बना लेते हैं और प्रोडक्ट बना बनाया ले भी लेते हैं, तो क्या करते हैं, अब मार्केट में जाएंगे, कस्टमर्स मिल जाएंगे और रिटेलर्स को क्या कहते हैं, ये देखिए हमारे प्रोडक्ट्स को। देखिए, आपसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, वहाँ आपको रिटेलर रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये एक ऐसी सप्लाई है जो पहले से हो रही है। अब यहाँ पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले जो पॉइंट है वो है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्ट में आपको आपके प्रोडक्ट की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ऑन पेपर आपको काम करना पड़ेगा बिफोर द सेलिंग, कि आपका प्रोडक्ट क्या काम करता है, कैसे और प्रोडक्ट से बेहतर है, कैसे कॉम्पिटिटर से ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट्स में वैल्यू दे रहे हैं, USP रख रहे हैं, डिस्काउंट्स दे रहे हैं, स्कीम्स दे रहे हैं, ऑफर्स दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ती है आपको अपने प्रोडक्ट्स की, जब भी आप किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। देखिए, मार्केट में जब भी हम सेल्स की प्रेजेंटेशन देते हैं, रिटेलर्स के पास में जाते हैं, तो वो हमें रिजेक्ट इसीलिए कर देते हैं कि हम जाते ही अपने प्रोडक्ट को बेचने की तैयारी कर लेते हैं। और 90% टाइम्स जब भी सेल्स पर्सन अपने प्रोडक्ट की तैयारी कर लेंगे, वो सेल्स पर्सन कभी भी सेल नहीं कर पाएगा जो जाते ही अपने प्रोडक्ट को बेचने की तैयारी कर लेगा। देखिए, अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि आपका प्रोडक्ट भी नया है और आप भी मार्केट में नए हैं। या तो आपने किसी का बना बनाया प्रोडक्ट लिया है तो वो प्रोडक्ट पुराना नहीं, नया हो सकता है, तो ये दूसरी सिचुएशन होगी। तो दोनों ही सिचुएशन में अगर आप नए हैं तो आपको आपके कस्टमर्स के साथ में एक रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप जाते ही प्रोडक्ट बेचने का सोचेंगे और चाहेंगे कि हर जगह आपके रिटेलर्स बन जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट अवेयर नहीं है, ब्रांड की अवेयरनेस नहीं है, तो आपके साथ में कोई भी नहीं जुड़ेगा। देखिए, आपको नीड असेसमेंट करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले सामने वाले की ज़रूरत को पता करना पड़ेगा। अगर आपने मसाले का बिजनेस स्टार्ट करा, अब आप मसाले बेचने चले जाते हैं मार्केट में, तो ये तो देखिए कि वहाँ पर ब्रांड बिकता है या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं। अगर वहाँ पर नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बिकते हैं तो वहाँ के प्रोडक्ट्स की जो कॉम्पिटिशन स्ट्रैटेजी है वो क्या कहती है, वहाँ पर ऑफर स्ट्रैटेजी क्या कहती है, ये पता करिए। फिर जब आप अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे और ये बताएंगे कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से बेहतर है औरों के प्रोडक्ट से, या आपके प्रोडक्ट्स में क्या फीचर्स हैं, क्या अपने बेनिफिट्स ऐड करे हैं, और जो रिटेलर्स को बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो किस तरह से आप बताने वाले हैं, ये सारी बातें आपको इवेल्यूएट करनी पड़ती हैं पहले ही। ऐसा नहीं होता है कहीं पर भी जाने से पहले कि आप पहली बार में ही अपने प्रोडक्ट्स को बेच देंगे। वहाँ पर आपको जब भी कोई एक मार्केट बनाना होता है तो वहाँ पर टाइम लगता है, क्योंकि आपको ज़रूरत ही पता करनी होती है सबसे पहले। अब आपने ज़रूरत पता कर ली तो वहाँ पर उनकी ज़रूरतों को फुलफ़िल करना होगा, और फुलफ़िल कैसे करेंगे, या तो प्रॉफिट्स देकर करेंगे, या बेहतर प्रोडक्ट देकर करेंगे, या वहाँ पर टाइम पर डिलीवरी देकर करेंगे, या फिर आप ऐसा एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे जो कि और लोग नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, मेक गुड रिलेशनशिप आपको बिल्ड करना पड़ेगा आपके रिटेलर्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, या फिर अगर आप सीधा कस्टमर्स को टारगेट करते हैं तो उनके साथ में। बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट्स बिके, हम जाते हैं कंपटीशन हमें देखने को मिलता है, वो यही गलती करते हैं। वहाँ पर रिलेशन बिल्डिंग पर वो ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। आप स्टार्टिंग में अपने प्रोडक्ट को अगर बेचने में असफल रह रहे हैं, आपके मार्केट में आपको लगता है कॉम्पिटिशन बहुत है, तो आप रुकिए। सबसे पहले ये देखिए कि आप अपने मार्केट में काफ़ी टाइम से रह रहे हैं,
उस मार्केट में आपने बहुत साल बिता दिए हैं, मतलब अपने शहरों में, तो अगर आप उस शहर में काम कर सकते हैं तो आपको ये तो पता है ना कि यहाँ के लोग किस तरह से सोचते हैं, कैसे मौका देंगे नए प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो आप अगर अपने मार्केट में ही अच्छा बेहतर एक रिलेशन बिल्ड कर पाते हैं तो आप क्या कर पाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को उनके यहाँ पर टारगेट कर पाते हैं। इसके अलावा आपको अपने सेल्स पिचिंग और प्रोडक्ट का डेमो तैयार करके रखना पड़ता है कि आप किस तरह से प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, इसके साथ साथ सेल्स का पिच कैसे रखेंगे। देखिए, अगर आप हमेशा प्रोडक्ट बेचने के बारे में सोचेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, अगर आप रिलेशनशिप बेहतर करने के बारे में सोचेंगे तो आपका प्रोडक्ट ज़रूर बिकेगा। अगर आप अपने प्रोडक्ट का डेमो दे देंगे वहाँ पर कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से बेस्ट है, कैसे आप उन्हें ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी दे रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपका प्रोडक्ट बिक जाए और आप मार्केट में एस्टेब्लिश कर पाएं अपने प्रोडक्ट्स को। तो डेमोन्स्ट्रेशन देने से आपके प्रोडक्ट्स में ये होता है कि आप जब भी डेमोन्स्ट्रेशन देंगे तो वहाँ पर 50% काम ख़त्म हो जाता है सेलिंग का, क्योंकि लोगों को पता लग जाता है कि आपका प्रोडक्ट किस तरह का है, क्या क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है। तो हमेशा जब भी आप मार्केट में जाएं, रियल मार्केट में, तो ये याद रखिए कि आपको सेल्स में डेमो देना है, इसके साथ साथ अपनी पिचिंग को बेहतर करना है। अब मैं आपको बताता हूँ एक ड्रॉबैक, हमेशा क्या होता है जब भी इस मार्केट में, जो इंडिया की लोकल मार्केट है, यहाँ पर लोग जा रहे हैं अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, पर कुछ टाइम में कुछ सारे प्लेयर जो होते हैं वो स्टार्टिंग में तो जाते हैं, फिर वहाँ से बिजनेस बंद हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर परेशान रहते हैं कि नए नए लोग आते हैं, नए नए प्रोडक्ट लेकर आते हैं, नए नई बात कहते हैं, थोड़े दिन में चले जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, नया कोई भी जो प्रोडक्ट लेकर जाता है तो वहाँ पर कोई प्रोडक्ट आसानी से परचेस कर ले, इसीलिए वहाँ पर एक रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि कोई कैसे पुराने प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दे अपने काउंटर से। वो रीज़न जब आपको पता चल जाए तो आप अपने प्रोडक्ट को एस्टैब्लिश करते हैं। देखिए, आपको रुकना है मार्केट में, आपको वैसा नहीं करना है काम जैसे बहुत से लोग करते हैं, कुछ टाइम तक एफर्ट लगाते हैं, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 6 महीना, साल भर, बस इसके बाद में वो चले जाते हैं। ऐसा मत करिए, यहाँ पर संभावनाएं हैं, एटलीस्ट अपना 5 साल का मिशन रखिए। 5 साल के मिशन में 1 साल ये देखिए कि मैं मार्केट में काम करूँगा, चाहे मैं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं करता हूँ तो भी मैं मार्केट की नॉलेज लूँगा, मार्केटिंग करूँगा, चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट उसके पास में हो पर वो प्रोडक्ट बेच दे, ऐसा टैलेंट आपके पास में होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेंगे जब भी आप दुकानदारों के पास में जाएंगे, वो होंगे रिजेक्शन। देखिए, रिजेक्शंस इन्विटेशंस आपको बनाने हैं, रिजेक्शन इन्विटेशन नहीं बने तो आपको क्या लगेगा कि हर जगह संभावनाएं नहीं है, बिजनेस बदलते रहेंगे और हमेशा यही देखेंगे कि अब देश में बेरोजगारी है। ऐसा नहीं है, आपको हर एक काम में रिजेक्शन मिलेंगे, हर जगह रिजेक्शन। आपको इन्विटेशन कैसे बनाने हैं, अपनी सेल्स के दम पर। अगर आप इन्विटेशंस बना पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको जो रिजेक्शन मिल रहे हैं वो देखिए क्यों मिल रहे हैं, एक तो आपकी या तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी की वजह से, क्वांटिटी कम दे रहे हैं, क्वालिटी की वजह से, प्राइसिंग की वजह से, डिस्काउंट कम दे रहे हैं इसकी वजह से, ऑफर्स नहीं है इसकी वजह से, इसके अलावा आपका प्रोडक्ट नया है उसकी वजह से, इसके अलावा आपके अंदर सेल्स की कमी है, जो आप सेल्स कर रहे हैं, आपकी टीम सेल्स कर रही है, वहाँ कहीं ना कहीं कम एफर्ट लग रहे हैं, ये कमी है। अगर मार्केट में डिमांड है और प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो ये सारी बातें आपके सामने देखने को मिलेंगी। तो रिजेक्शन में ये पता करिए कि क्या रिजेक्शन है जो आपको सबसे ज़्यादा सामना करने पड़ रहे हैं, तो उन्हें इन्विटेशन समझ लीजिए, उनको फुलफिल करिए और आगे बढ़िए। देखिए, मार्केट में अगर काम करना चाहते हैं, बिजनेस प्लान से लेके, मार्केटिंग एंड सर्वे से लेके, हर एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी, वेरिएशंस, क्वालिटी कैसे बनानी है, साथ ही साथ नेटवर्क कैसे बनाना है, ये शॉर्ट वीडियो था। बहुत से लोग हमारे साथ में सीख रहे हैं बिजनेस कैसे करना है, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स लोग जुड़ चुके हैं हमारे मास्टरी कोर्स में और आगे अपने बिजनेस को स्टार्ट करें। हम आपको पर्सनल कंसल्टेशन भी देंगे एडवाइजर्स के साथ में, जहां वो आपको बताएंगे कि कैसे आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको काम करना है और वाकई में अपने बिजनेस को शुरू करना है, तो ये स्टेप्स आपके सामने आएंगे, जिनका बेनिफिट हमने आपको दे दिया है कि हमने आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप का गाइड प्रोवाइड करा दी है। तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग मास्टरी कोर्स में, जहां हमारे साथ में वेबिनार्स होते हैं, आपके
आपको हम सिखाते हैं पर्सनल ट्रेनिंग देके कि कैसे काम शुरू करके सफलता तक कैसे पहुंचना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।